मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। आज अगर मेरे को ये लगता ना कि भाई कांग्रेस जीत जाएगी, सातों सीटें हम कांग्रेस को दे देते, भाई तुम लड़ लो, हम नहीं लड़ते। पथराव हो रहा है, बराबर अंदर से पथराव किया जा रहा है। ये पूरा हिस्सा जहां हम खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन है। यहां पे कहते हैं कुछ आदमी आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने वहां जगह जहां पहले रहते थे ना वहां से इन्हें भगा दिया। अच्छा, फिर यहां रहने के लिए कुछ दिन के लिए रहने दीजिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, रहने दीजिए। इसलिए अच्छा, तो कोई आपने कुछ वैसे अंडरटेकिंग वगैरह ली इनसे कि यहां रह रहे हैं? लिख के दिया था। अच्छा, लिख के दिया कि इनका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किसने लिख के दिया था? कोई पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी था। थोड़ी देर में शब्बीर अली अंदर से एक सफेद कागज लेकर आया जिस पर लिखा था, इस कबीले का जिम्मेदार हूँ, ये लोग बर्मा वाले हैं, ये आपस में कोई झगड़ा फसाद नहीं करेंगे। यानी सादे कागज पर किसी ने ये लिख कर दे दिया और इस चौकीदार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को सरकारी जमीन पर बसा दिया। हमने पूछा कि ये खुर्शीद कौन, क्या इसे पहले से जानते थे? तो क्या बोला उन्होंने? कहा कहते हैं बर्मा से आए हुए हैं और गवर्नमेंट ने रहने की इजाजत दी हुई है और उनके पास कोई कार्ड भी है। तभी हमें शब्बीर की माँ भी मिली जिन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे ये लोग यहाँ बस गए। इनसे हमने पूछा, मैंने कहा भाई किसकी जिम्मेदारी आप रह रहे हो यहाँ पे, कौन सा सामान मतलब आपका लाया यहाँ पे? तो इन्होंने बोले कि खुर्शीद नाम का है, हमारा जिम्मेदार आदमी है, उसके कहने पे हम सामान लाए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा अगर जब वो कह रहा है तो उसको मेरे सामने लाओ, उससे हम बात करेंगे। अगर वो जिम्मेदारी ले रहा, कल का कोई लड़ाई झगड़ा आप करो, कोई मार पिटाई करो, कौन जिम्मेदार होगा? तो इन्होंने फिर उसको फोन किया, फिर वो आया यहाँ पे, लिख के दिया हमको कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगा तो हमको फोन करके बुला लेना। खुर्शीद को आप जानती नहीं है? जी नहीं, हम नहीं जानते। मिली हैं आप उनसे? नहीं, पहली बार मिले थे जब वो आया था, जब ही मिले थे। उसके बाद फिर मिले? हाँ। उसके बाद मिले कि नहीं? नहीं जी, नहीं आया। यानी किसी एक अनजान व्यक्ति ने सादे कागज पर लिख कर दिया और रोहिंग्या मुसलमानों के परिवारों को यहाँ बसाने की इजाजत दे दी गई। यानी ये बात साफ थी कि बहुत से लोग अपने धर्म वालों की मदद कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये रोहिंग्या मुसलमान भारत कैसे पहुंचे? पता चला कि म्यांमार से बांग्लादेश भागने के बाद इन्हें एजेंट्स ने भारत का बॉर्डर पार करवाया। एक बांग्लादेश में जो एक आदमी मिला था,
बॉर्डर पार करने दे के लिए। अच्छा। उसको मैं वहाँ भी बेलदारी दुकानों के बराबर दुकान है। हाँ। मुसलमान की एक दुकान नहीं जाएगी, हिंदुओं की सब दुकान चलेगी। एक एक दुकान लूट ली, लूट ली, लूट ली, आग लगाई, लूट लूट के पहले सामान सारा ले जाए, उसके बाद में जो बचा वो आग लगा दी। ढेर देखो वो पड़ा हुआ है सारा ढेर, आग लगा, सबने आग लगा दी। आप देख सकते हो कि एक भी हिंदू का, जितने मुसलमान के बोर्ड लग रहे हैं वो एक भी दुकान नहीं चली है, हिंदू का और मुसलमान वो बचा नहीं, सारी दुकानें चल गई सब हिंदू। मतलब कि आप इधर देखो, एक खोखा है जो कि एक डंडे में टूट सकता है, वो भी साफ ऐसी सेफ है, वो एक मुसलमान का खोखा है, वो भी सेफ है, मुसलमान की एक भी दुकान नहीं टूटी है, ना कोई जली है। ये बात तो ये हकीकत है जो आंखों के सामने नजर आ रहा है कि वो सारी दुकानें जिनके ऊपर ऐसा लग रहा है कोई कोड वर्ड है कि जिसके ऊपर आप जहां भी ये लिखा हुआ है कि ये नो NRC नो CA, वो दुकानें सही सलामत। अब आप यकीन नहीं मानोगे, जो हिंदू वर्किंग वुमेन है वो अपने माथे पे बिंदी और सिंदूर नहीं लगा रही हैं। अच्छा, क्यों? वो पहचान पे आ जाए। हाँ, कई औरतें इतनी खौफ ज्यादा हो गई हैं कि वो कह रही हैं कि अब हमें भी एक एक बुर्का लेना चाहिए। एक की नजरों से बचते हुए भारत से यहाँ आया है। इसका नाम सोबुज है और ये बेंगलोर से आया है। उसने बताया कि 7-8 महीने पहले वो नौकरी की तलाश में भारत आया था। उसका कहना है कि 10 दिसंबर की रात उसकी ही तरह कई लोगों ने बांग्लादेश में प्रवेश किया था और कोई भी पकड़ा नहीं गया। 4 जन ऑनलाइन देखसी हमरा ग्रुप देखसी कि 50-55 जन मतन लोग जोना से तलाश। बंगाली लोग अब खतरे में है, उन्हें पकड़कर बांग्लादेश भेजा जा रहा है, इसलिए लोग अब वहाँ नहीं रहना चाहते। हाल के दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, पहले भी लोग आते थे लेकिन इतने नहीं। अगर यही होता रहा तो हम उन्हें कहाँ जगह देंगे? तारा जी बनाना देते तादे नाम ठिकाने जो उनमें से करीब 1/3 लोगों को अब तक पकड़ा गया है, उनमें ज्यादातर मुसलमान है, वो घबराए हुए हैं। मुझे लगता है भारत में NRC की वजह से ये लोग आ रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि BSF खुद सीमा पार करने में उनकी मदद कर रहा है। सीमा के पास के इलाकों में बसे लोगों के लिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में भारत से लौटने वाले प्रवासियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। सीमा पर पहुंच रहे लोगों का दावा है कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। आइए सुनते हैं सरकार का इस बारे में क्या कहना है। लोगों को वापस लाने की एक कानूनी प्रक्रिया है। भारत सरकार को हमें बताना चाहिए कि वहाँ कितने अप्रवासी बांग्लादेशी हैं। एक बार हमें पता चल जाए तो हम जांच कर उन्हें वापस यहाँ बुला लेंगे। हमारी इस मसले पर भारत से बात हो रही है। अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो क्या पहले भी इसी तरह भारत से लौटकर लोग बांग्लादेश जाया करते थे या ये एक नया ट्रेंड है? थोड़ी देर पहले यही सवाल हमने पूछा BBC बांग्ला सेवा के अपने सहयोगी अकबर हुसैन से। We have seen it for the last few months because when the NRC started in Assam, हमने ये ट्रेंड पिछले कुछ महीनों में देखा है जब असम में NRC शुरू हुआ, खासतौर से भारत हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब मुझे अगर मुझे आश्चर्य है, आप ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी, कल मैं रोड शोज में था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन अगर ये सब बोला तो झूठ बोला, कोरा झूठ बोला। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं जी, पूरी झूठ। मतलब BJP एक झूठ की फैक्ट्री बन गई है। बार बार झूठ 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 फैलाओ। तो ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। काम कराए, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। फिजूल खर्ची बंद कर दें और अगर करप्शन खत्म कर दें, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। मैं बार बार इनको बोलता हूँ, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। फिर से कह रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सके इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत
5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें।